हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपम सारडा और आज करेंगे हम सर्कल्स की 10.4 वर्कशीट। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 10.4 वर्कशीट्स। इसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वर्कशीट का, टू सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ द ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है। हमें और डैश के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर हमें ओ ए दी हुई है और ओ डैश हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है क्योंकि रेडियस है। देखिए रेडियस ओ ए ये दो रेडियस 5 सेंटीमीटर की हमें दी हुई है, रेडियस ओ डैश ए हमें 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ओ डैश के बीच में जो हमें सेंटर दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब कि हमें सिर्फ जो फाइंड करना है कॉमन कॉर्ड, अब हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ओ ए ओ ओ डैश, ए ओ डैश ये तीन हमें दी हुई है। हमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये, हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर मतलब कि ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होती है तो 5 स्क्वायर प्लस इक्वल में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर ये हमें पता होगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का है, बेस प्लस परपेंडिकुलर ये स्क्वेयर्स है, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल में 4 का 16, स्क्वेयर 4 का 16 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है। तो जब हमने 16 और 9 को प्लस करा तो 25, 25 दोनों इक्वल हो गए हैं। 25 ये है, जब इन दोनों को प्लस करा तो ये 25 आ गया मतलब दोनों इक्वल हैं। अब हमें लिखना है हेंस ए ओ ओ डैश इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ओ डैश, ये जो ओ डैश है ये राइट एंगल है। सिंस परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू बाइसेक्ट द कोण, हेंस ओ इज द मिड ओ डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोण ए बी, ऑल्सो ओ डैश इज द सेंटर ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड सर्कल का, ये फर्स्ट सर्कल है ये सेकेंड सर्कल है। देयर फोर लेंथ ऑफ का कोण ए बी, ये हमने कोण ली थी ए बी, मैंने आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये बी ये ए दोनों पे दिखा रहा हूँ। डायमीटर ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आ दी है और डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें रेडियस 3 दी हुई है तो हमें डायमीटर निकालना मतलब कोण निकालनी है, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोण ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 सर्कल 10.4। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मेरे को कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।